चलो अब देखो, सही है तेरी हाइट का है? जब वो लोग आए तो उन्होंने मुझसे पूछा भैया हाइट क्या रहेगी। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं रुको भाई, फिर मैं ऐसे हुआ, मैंने कहा हाँ इतना ठीक है। तूने मेरी मजाक उड़ाई, उनके नहीं नहीं मजाक नहीं उड़ाई, वो तो मैंने सामने मेरी मजाक नहीं ली। उड़ाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बेयर ग्रिल्स। मैं दिल्ली के घने जंगलों में फंसा हुआ हूँ। यहाँ से बचकर निकल पाना बहुत मुश्किल है। कुछ नजर नहीं आ रहा है दोस्तों, बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर ये नहीं होता तो हम भीग चुके होते। बता जाएगी, बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही है दोस्तों। हम हैं इस वक्त करोल बाग में। आज भी हम मेरे लिए शूज लेने आए थे अजमत। दोस्तों आज हम आए थे करोल बाग, हमने सोचा यहाँ पर शॉपिंग करेंगे, पर मूसलाधार बारिश समझ रहे हैं? मूसलाधार बारिश ने हमें कुछ नहीं करने दिया। इतना तेज हल्ला हो रहा है, मेट्रो सारी भीग रही है, नहाते हुए जा रही है मेट्रो, आज लहराती हुई। नीचे जाना नामुमकिन है दोस्तों, नीचे जाके क्या ही कर पाएंगे हम। हर बंदे की कुल्फी बनी हुई है, सब ऐसे घूम रहे हैं। बारिश है, बंद हो जाए ना हो, मार्केट तो बंद हो गई होगी। गढ़वाली में कहते हैं कि जूते की लग गई किस्मत में। देखिए दोस्तों, इसको कहते हैं प्रयास, ये जो अंकल जी कर रहे हैं। अगर मेरी ये जॉब होती तो मैं ये नहीं करता, क्योंकि जहाँ वो पानी फेंक रहे हैं उधर से ही हवा चल के पानी इधर ही आ रहा है। पर फिर भी जॉब तो जॉब होती है भाई, दाद देनी पड़ेगी। चलो फिर वापस ही चलो, और क्या, चल फिर चलते हैं। पर ऊपर तो भाई वो भिगा देगा जब तक हम ऊपर चढ़ेंगे, वो देख रही है यार बाना। पता क्या हुआ, अरे बारिश की एक बूंद मेरे गर्दन से चली गई नीचे। ठीक है, तीन जगह साइन करने, एग्रीमेंट मिल गया। इसके पीछे 1.5 महीने से भाग रहे थे हम, गैस वगैरह का वो कर सकते हैं ना, कनेक्शन ले सकते हैं। यार हमने ये व्लॉग शुरू किया है राती राती, तो अभी अभी हम लोग घर पहुंचे। लाइव आए थे आज यूट्यूब पे क्योंकि व्लॉग पोस्ट नहीं कर रहा। देखा तुमने कितनी मूसलाधार बारिश हो रही थी, एडिट ही नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया भाई, और लाइट नहीं थी पूरे दिन भर। फिर जहां गया था वहां, मतलब बाकी तुमको सब पता है। जो लोग लाइव में आए थे देखने के लिए, उन्होंने उनको काफी इच्छा होगी कि पीकू भाई ने क्या सब्जी बनाई थी। ये सब्जी है, आलू गोभी। कितनी गंदी दिख रही है शक्ल से भाई। मैंने अंधेरे में बनाई वो सब्जी, शाम को जब मैं निकल रहा था ना, आज लाइट नहीं थी जिस चक्कर से ड्रिल भी नहीं हो सकता था, तो कहीं ड्रिल करवा के मंदिर भी नहीं अटकाया। ये सब्जी बहुत गंदी हो रही थी, मेन बात ये है। सो मिलते हैं, गुड नाइट। सुबह सुबह मैंने एक रील शूट की है, मैं इंस्टाग्राम पे आने लगा हूँ अब थोड़ा सा ना। मैं पहले मतलब बहुत स्लो करता था इंस्टाग्राम पे काम, बट हाँ उसको टाइम देना बहुत मुश्किल है यार। जब आप इंस्टाग्राम को टाइम देते तो आप यूट्यूब को टाइम नहीं दे पाते, दोनों एक साथ करना मुश्किल है। अच्छी रील है वो, मतलब वैसी रील है। कैसी, एक स्कूल में जाने वाला लड़का है जिसको अपना पहाड़ छोड़ना पड़ा किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में आके पढ़ाई करने के लिए। फिलहाल मैं हेयर मास्क थोड़ा लगा रहा हूँ, उसके बाद अपन नहा जाएंगे। हमारी बिल्डिंग में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं है, इनके पास सब अवेलेबल हैं। आप किसी को भी बुला सकते हो, जैसे पेंटर, कारपेंटर, एवरीवन। ड्रिल करने के लिए मैंने एक इलेक्ट्रिशियन बुलाया जो अपनी बिल्डिंग का ही बंदा है, बस आपको बिल्डिंग के केयर टेकर से बोलना है भाई मेरे को ड्रिल करवाना है, तो वो सब ऊपर आए थे। मतलब सब कुछ यही हो जाता है ऐसी। हाँ भैया नमस्कार, आपने एक बार आरओ लगाया था ना 401, दरअसल एक मंदिर ना सेट करवाना है, तो उनसे तो बात हो गई मेरी, क्या नाम है, पप्पू भाई से, तो उन्होंने बोला आपको बोल के। हाँ जी, हाँ 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 पूछ लो, और 401 में आप बता दो कि कब तक आओगे आप ऊपर। ये बेड हमरा के खिसकावे के पड़ी। इस बीच दाल भी बन रही है ना, इस तरफ बेड, इस तरफ ही धूप आती है, इस तरफ से धूप आती है उधर से। जिधर मेरा बेड है यहाँ पर
यहाँ पर हम मंदिर लगा सकते हैं कि उस तरफ से धूप आती है, तो यहीं ड्रिल करना है। तो ये जो मेरे को परफेक्ट प्लेस मिला था बेड के लिए, चेंज करना पड़ेगा। बेड खिसकाने से पहले बंदा आ गया। सही है, ये इस तरफ लगाना है। हलकट्स को मैंने बोला कि मेरा वायर जो है मंदिर के पीछे से निकाल के लाना भैया, ताकि वो दिखे ना भैया, नजर नहीं आना चाहिए भैया। उन्होंने बोला हाँ वैसा ही हाँ लग गया, देखो लग तो रहा है, लग गया। उन्होंने लगा दिया। ये खूबसूरती देखिए आप, लग तो बहुत सुंदर रहा है, बट ये जो वायर आप है, मतलब आप तो पहली बार देख रहे हैं शायद मंदिर को सामने से, पर हाँ ये जो वायर सामने से आप देख रहे हैं गिरता हुआ, इसको मैं चाह रहा था कि पीछे से आ जाता या नीचे से आ जाता तो कितना बढ़िया होता, ये नीचे से निकल जाता। उन्होंने इधर टांग दिया। अब जनाब आपके मन में ये क्वेश्चन भी आ रहा है कि वायर का क्या काम है। मैं आपको रूबरू कराता हूँ। देखिए क्या कराता हूँ, रूबरू ये देखो। I like it. Thank you मत बोलना बस मुझे। तुम खुद देखो और तुम खुद फैसला करो। ये देखो। नोट्स बनाने पड़ेंगे मुझे, मेरे पास सिलेंडर भी खत्म होने वाला है। बट बहुत अच्छा लग रहा है यार मंदिर, है ना। अब ये कौन क्लीन करेगा भाई? चाचा जी, जिस टाइम पे मेरी दाल का जो मसाला है वो बन रहा था, उस दौरान ही ये ड्रिल वाले आए और मसाला फूंक गए। तो मैंने सोचा कि यार दही के साथ ज़रूर इसको कामयाब किया जा सकता है। भाई दही मिल जाएगी, एक पैकेट दे दो। ये देखो इसका रूप थोड़ा सा डार्क है ना, ऐसा नहीं दिखना चाहिए था ना इसको। ये उन दोनों की गलती है, नो डाउट भाई, दिखने में तो अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है मंदिर हमारा रात को। मैं कल कुछ शॉपिंग करके आया था, सामान वामान लेके आया था, उसमें से कुछ थे मेजरिंग कप्स। तो मैं शुरू कर रहा हूँ फिर से डाइटिंग अपनी, मतलब क्लीन खाना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले भी क्लीन ही खाता था, क्योंकि मेरी बॉडी में फैट नहीं है बिल्कुल। दैट्स व्हाई। तो चलो शॉपिंग करके आते, थोड़ा सामान लेके आते हैं। अपनी बिल्डिंग के बाहर ही रिलायंस फ्रेश है। हेलो, हाँ मैडम, मैं यहाँ हूँ रिलायंस मार्ट में। हेलो हेलो, क्या लेने आए थे? ओट्स वगैरह। क्यों डाइट वाइट कर रहे हो क्या? तो मुझे जाना क्या, ये न्यूट्री की दवाई, न्यूट्री लूट जाएंगे, जल्दी चल। ये क्या है बना? ये हेल्दी लेने आ रखा था मैं कुछ, और इसको देखो। तो भाई हमने सामान ले लिया है रिलायंस से, और मैंने कहा यार हमारे बस्ते बहुत भारी हो रहे हैं दोनों के, तो इसको पहले घर रख के आ जाते हैं। तो मैंने पीकू को बोला है कि आ जा तेरी अग्नि परीक्षा, जा जा पीकू जा, बैग रख, दोनों बैग रख के आ जा। थोड़ा बुरा भी लग रहा है मुझे, बट कोई बात नहीं, मैं अभी थक चुकी हूँ यार, ऑफिस से ऊपर जाने का मन नहीं होता। इसके लिए होपफुली मे भी मिल जाए आज यार शूज़। मैंने इसको बोला था कल जाएंगे आराम से, करोल बाग जाएंगे, क्योंकि कल तो बारिश हो गई थी। जय हो निम करोली बाबा जी। पीको आएगा भी नहीं सीढ़ियों से वापस, हफ्ता हुआ। शूज़ भी लेने, रोज भगा रहा है मुझे रोज। और मैंने कहा यार रोज मत भगा यार मुझे ऑफिस से, तो कह रहा है ठीक है आज के बाद नहीं बोलूँगा। इस क्या, इस बोली सी सूरत के पीछे एक चिमकांडा है, चिमकांडा। अरे तो यार घर पे दिल्ली में घर पे ऐसे ही फालतू हो जाता है। चले ये ऐसा ही रहता है दिन भर, अच्छी चीज़ है बिजी होना भी।
भैया मार्केट सज रहा है पूरा का पूरा, कल नवरात्रे हैं। बस हमारी यही दिक्कत है, हमको छांटने नहीं आते बस। कितने का हो भैया ये? महाराज हमें लेना है एक ढक्कन वाला दिया ना, ये बेस्ट है। मीनू भी शॉपिंग कर रही है और सब लोग यहाँ पर मयूर विहार में कल माता के व्रत लेने के लिए शॉपिंग ही कर रहे हैं। हमने तो ले लिया है अपने मंदिर के लिए सामान, दिया वगैरह और वो क्या बोलते हैं उसे नीचे रखने के लिए वो रेड वाला चद्दर और भी चीज़ें। हाँ ठीक है, यही सबसे अच्छी लग रही है। भैया गूगल पे करा दो। भैया दिल्ली में भूकंप आ गया कल, पर मेरे जूते नहीं आ पाए। अच्छी खासी शॉपिंग कर ली हमने, सब्जी वब्जी बहुत सारी चीज़ें ली हैं। आ गए हम घर, बंद कर दो लाइट, में चलाओ, बंद करो बंद करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ, लेट्स गो। कैसा लग रहा? अच्छा बंद है आँखें अभी? हाँ। हैं, चल फिर और सामने, और सामने चल, अभी खोलना मत आँख, ठीक है? मेरे हाइट के सामने है मंदिर। हाँ हाँ सामने है, चलो अब देखो। जब वो लोग आए तो उन्होंने मुझसे पूछा भैया हाइट क्या रहेगी, तो मैं ऐसे खड़ा था, मैंने कहा ठीक है, फिर मैं करूँ को भाई, फिर मैं ऐसे हुआ, मैंने कहा हाँ इतना ठीक है, कर दो कर दो। नहीं नहीं मजाक नहीं उड़ाई, भैया मैंने बेस्ट सेटिंग ढूंढी थी बेड के लिए, मैंने कहा ये सबसे सही है, इधर ही रहेगा बेड, पर अब वो पूरा पश्चिम वाला सीन हो गया तो उस तरफ से सूर्योदय होता है, तो इधर ही हमने मंदिर लगा दिया, फिर तो बेड इधर ही रहेगा, फिर तो क्या ही मतलब कर सकते हैं, फिर ठीक है फिर ओके। चल सच में बहुत प्यारा लग रहा है। स्थापित जो है कल करेंगे, जो भी सामान लेके आए हैं मूर्तियां वूर्तियां सब कल लगाएंगे। ऐसा मुझे मालूम नहीं था कि शादी से पहले मेरा इंटरेस्ट है इन चीजों में, छुपा हुआ था ये। चलो मेरा एक वीडियो देखना, डू यू वांट टू मीट मी सद्गुरु, तो तब तुम्हें मालूम पड़ेगा क्यों क्यों मेरी आस्था जगी है, नहीं तो आई यूज्ड टू बी अ सीरियसली मतलब मतलब उससे लॉजिक पूछता होता है बिना बात के। इंसान की समझ के बियॉन्ड ही तो है सुपर पावर, अगर तुम्हारी समझ में आ जाएगी तो तुम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा, फिर बस वो वायर छुप जाता। अरे यार ये मीनू के काम है, ये सब लगा रखा है ना जो, ये मीनू के काम है। बस अब ब्लॉग को यहीं अंत करते हैं यार, मेरे दिन आजकल ऐसे जा रहे हैं कि मैं बहुत जगह इन्वॉल्व हूँ, बट इट इज ओके, कल सुबह मिलते हैं। अगर आपको व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आ रहे हैं पसंद। क्रिएटर को सपोर्ट करना है, अगर पाप से बचना है तो आप ज्वाइन का बटन दबा सकते हैं, उसके अलग मजे हैं, गारंटेड फन। चैनल पर नए हैं बेल आइकन दबाइए दबाइए, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, रोज जैसे मेरा ब्लॉग आ जाएगा आपको सीधे नोटिफिकेशन मिल जाएगी, क्योंकि बोल दिया उसने भी बोल दिया, क्योंकि यहाँ रोज ब्लॉग आ रहे हैं।